जय श्री महाकाल हरिहर। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म के मार्ग में चलना, ब्रह्म के आचरण में चलना, ब्रह्म का जो तत्व है वो सूक्ष्म तत्व जो कि सच्चिदानंद है, सत्य में ही, चित्त में ही आनंद है, वो तत्व जहां से हर मानव जाति, जीव जंतु, वनस्पति, खनिज सबका रचना हुई, विकास हुआ, संरक्षण हुआ और विनाश भी उसी से ही होगा। तो ब्रह्म उसको को कहा जा रहा है जो कि निराकार है, शाश्वत है, जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसको सिर्फ अनुभूति ही किया जा सकता है। जब मानो कि त्रिनेत्र खुल जाएगा तब वो अनुभव कर सकता है, समझ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, जागृति के द्वारा। ब्रह्मचर्य का अर्थ कुंवारा रहना नहीं है, बात बिल्कुल समझेंगे। ब्रह्म अपने आप में फुल कंप्लीट है, फुल्ली डेडिकेटेड है, डिवोटेड, जो कि निरंतर नियम पूर्वक, नीति पूर्वक संतुलन में है, नियंत्रण में है और हर मानव और पंचतत्व और सभी प्रजातियों को न्याय धर्म सत्य दे रहा है, बात बिल्कुल समझेंगे। ब्रह्म जब मानो वो जगत का तत्व, वो मूल तत्व जहां से हर तत्व की रचना हुई, ठीक, और विरचना हुई, तो हर मानव जाति को आनंद यहीं पे आएगा, यहीं पे ब्रह्मानंद स्वरूपा है। ब्रह्म के आनंद का स्वरूप में ही लिया जा सकता है, रूप में नहीं लिया जा सकता। और ये हर मानव में स्थित है, हर मानव में ब्रह्म है ही, वो सत्य है ही, वो चित्त है ही, वही आनंद है और वही सर्वज्ञ है, वही सर्वज्ञ तत्व है, वही सर्वव्यापी तत्व है, वही सर्वशक्तिमान तत्व है, जहां मानव को और सभी प्रजातियों और सभी पंचतत्वों को लगातार स्रोत के रूप में मौजूद है और
मानव को वही होना है, उसी के नियम पे चलना होगा, उसी के क्रिया और घटना के साथ मानव को एकत्रित होना होगा, अलाइन होना होगा। वो कैसे होगा? वो तभी होगा मानव, जब हर मानव जाति प्रजाति स्वयं में अपने आप के ब्रह्म को देख ले, और वही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान से सुबह उठने से नहीं हो जाता, ठीक है? वो बोलते हैं सुबह उठने का अर्थ है ब्रह्म के मुहूर्त में उठना, बात समझे? सिर्फ सुबह उठने से ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त होता। कोई 4 बजे उठ जाएगा, कोई 3 बजे उठ जाएगा, बोले ये ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में मुहूर्त नहीं होता, ब्रह्म का मुहूर्त नहीं होता। वो हर समय विद्यमान है ही, हर काल में है ही। वो सुबह हो या संध्याकाल हो, ठीक है, वो मौजूद है ही हर वक्त। वो शाश्वत है, वो निराकार है, वो तदाकार है, वो आदि है, वो अनंत है, वही तत्व ज्ञान है और वही ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान होने के लिए ऐसा कोई भी नहीं कि आपको एक वस्त्र पहनना पड़ेगा या एक रंग का पहनना पड़ेगा या आपको अलग आइसोलेट होना होगा, आपको अलग दूरी बनानी पड़ेगी परिवार और समाज से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ब्रह्मचर्य ने अपने आप को दूर कर लिया, तो ब्रह्मचर्य अर्थात कि ब्रह्म के आचरण को ग्रहण करना। तो जो ब्रह्म में जो आचरण है, जो चरित्र है, जो उसके अंदर समाहित है, उसके गुण तत्व, उसके भाव तत्व, उसका जो स्वभाव है, उसको स्वीकृत करना, अपने आप में अनुकरण करना, अपने आप में अनुसंधान करना ही हर मानव जाति का धर्म है। वही ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्म के मुहूर्त नहीं होता, ध्यान समझे, वो हर जगह है, हर तरफ है, हर पल में है, हर मानव में है, हर जीव जंतु में, हर वनस्पति पदार्थ में, खनिज पदार्थ में, हर तत्व में, ठीक है? ध्यान से समझेंगे, जहां कोई भी चीज की रचना होती है, पेड़ पौधों की ले लो, जीव जंतु की ले लो, वनस्पति की ले लो, मानव की ले लो, खनिज की ले लो, वहां सब जगह ब्रह्म विराजमान है। ठीक, और वहीं पे संरक्षण भी होता है और वहीं पे विनाश भी होता है। जहां विनाश होगा वहीं पे विकास हो जाएगा, ये खासियत है, ठीक है? तो इसलिए हर मानव जाति को ये बात निश्चित आ जाए कि ब्रह्मचर्य सिर्फ कुंवारा रहना नहीं या अलग से दूर रहना, ठीक है, या अलग अलग खाना खाना, ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, ठीक है? ये बिल्कुल बात समझेंगे। मानसिकता से दूरी
हट जाए, मानसिकता से स्वतंत्रता आ जाए, मानसिकता में एक हो जाए मानव, समानता आ जाए। तो मनोवैज्ञानिक में स्वतंत्रता आ जाए, भावात्मक में स्वतंत्रता आ जाए, वो भाव आत्मा में, तो भावात्मक में, जो कि आत्मिक भाव, भावात्मक बोलेंगे, आत्मिक जो भाव है, आत्मा से जो भाव निकलता है वो भावात्मक होता है, ठीक है, वही स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, पर ज्ञान होने के बाद, समझ होने के बाद, तभी उसमें भक्ति पूर्वक आगे बढ़ें। आपको अर्थ ही नहीं पता होगा तो आप तो दिखावटी और नौटंकी में आ जाएंगे बाहर, ठीक है। तो इसलिए वो ब्रह्मचर्य मत समझ लीजिए, जो अलग से पूरा सब चीज पहन के टहन के चल रहे हैं, वो नहीं है ब्रह्मचर्य। आंतरिक स्वरूप में, आत्मिक सच्चिदानंद में, वहां मौजूद है वो मूल तत्व के स्वरूप में, ठीक है जी। इसलिए लगातार ब्रह्म से जुड़े रहें, निरंतर खोज बनी रहे, और जैसी प्राप्त हो तो निरंतर उसके संपर्क में रहें, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।